शादी हुआ था उस समय में मेरा शौचालय घर में नहीं था, अब हो गया, अब कोई शर्म का बात नहीं। उसमें मेरे बच्चे बहुत तबीयत खराब होता था, डायरिया, उल्टी और बार बार हर हमेशा, तो हमको समझ में नहीं आता था कि कैसे तबीयत खराब होता है। पहले शौचालय नहीं है तो उससे क्या होता था कि सब आदमी अपना शौच करते थे अगल बगल में ही, जिसके कारण एनीमिया होता था, कुपोषण हो जाता था, बच्चे तेज नहीं होते थे, दिमाग कमजोर होते थे, पढ़ने मन नहीं लगता था। 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत में खुले में शौच जाने का स्तर सबसे अधिक है झारखंड में। झारखंड के गांव में रहने वाले 92% लोगों के घरों में शौचालय नहीं है, जिसके कारण यहां बीमारियों का होना, पोषण में कमी, शरीर का कम विकास होना और यहां तक कि बच्चों और दूसरे पीड़ित समूहों में मृत्यु दर का स्तर बहुत अधिक है। झारखंड में रामगढ़ जिले के सिकनी गांव ने आज इन सब बुराइयों पर विजय प्राप्त की है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत एक वर्ष में हुए प्रयासों के उपरांत आज गांव के हर घर में शौचालय है। ये गांव पूर्ण रूप से खुले में शौच से मुक्त हैं। सिकनी गांव की मीना देवी एक जल सहिया हैं। उन्होंने इस बदलाव को केवल अपनी आंखों से ही नहीं देखा है, बल्कि उन्होंने इस बदलाव में सक्रिय भूमिका भी निभाई है। तो जब देख रहे हैं कि बच्चा लेटरिंग कर रहा है और पूरा मक्खी भन भना रहा है, उससे बच्चा को बीमारी भी पकड़ रहा है, उसके बाद साफ पानी भी नहीं पीते हैं लोग, उसके खुला में शौच भी करते हैं, बहुत सारे बच्चा का मौत हो जा रहा है। सच्चे अर्थों में खुले में शौच की आदत से छुटकारा पाने के लिए पुरानी आदतों को बदलने और समुदाय तक पहुंच बनाने की आवश्यकता है। लोगों को केवल शौचालय बनाना नहीं चाहिए बल्कि उन्हें प्रयोग भी करना चाहिए, और ये तभी संभव है जब जल और स्वच्छता बेहतर हो, अच्छी आदतों को अभ्यास में लाया जाए, स्वच्छता के प्रति अच्छे वातावरण का निर्माण हो। स्वच्छता प्रेरकों की टीम और गांव के मुखिया के साझा प्रयासों से गांव में बदलाव लाया जा सकता है। इस शौच से क्या फायदा होता है, कितनी गंदगी हमारे रास्ता में, तालाब के किनारे बहुत सा गंदगी फैलता था, इससे बीमारी का भी आशंका बढ़ने लगा। समझ गए तो हम लोग को अब कॉपरेशन, सभी जनता, माताएं, बहने, सभी लोग कॉपरेशन करने लगे। ग्रामीणों को अब स्वच्छ रहने के फायदे समझ में आने लगे हैं। ये उनके बर्ताव में आ रहे बदलाव और साफ और स्वच्छ रहने की उनकी आदतों से झलकने भी लगा है। बेटी पुतो सब को तनी जा हथिन तखन तनी डर बना हले, तनी जा हली तो तनी हिंदे हुंदे देखिए के बैठा हली। और इससे हमारा सुविधा ये है कि हमारी माँ बहने जो हैं वो शौच के लिए बाहर नहीं जाती हैं। शौचालय नहीं रहने के कारण उच्च वर्ग की लड़कियां 50% नहीं आती थी, जो उस समय की उपस्थिति 300 के लगभग रहती थी। अभी मेरे यहाँ मेरे विद्यालय में लड़के और लड़कियों के लिए अलग शौचालय बन गया है, तब से मेरे यहाँ 565 तक उपस्थिति प्रतिदिन बच्चे हो रहे हैं। हम सब लड़कियों के लिए स्कूल में शौचालय बन गया है, इनके वजह से हम लोग कभी स्कूल जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। सिकनी गांव ने आज एक सफल कहानी लिखकर सारे राज्य के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। 2 अक्टूबर 2014 से जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ तो राज्य में एक भी पंचायत ऐसी नहीं थी जो ODF ट्रू सेंस में कही जा सके। उसके बाद हम लगातार उसमें काम करना शुरू किए। इस वित्तीय वर्ष में जो 15-16 है इसमें काफ़ी गति कार्यक्रम को दिया गया। आज लगभग 60 पंचायतें ऐसी हैं जो ODF हो चुकी हैं। झारखंड आज पूरी तरह तैयार है अपने लोगों को एक नए युग में ले जाने के लिए, जहां स्वच्छ जल, सफाई और स्वच्छता की सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। यहां के लोग समझ गए हैं कि अब वक्त है सोच को बदलकर स्वच्छता को अपनाने का।